ओके सो वेलकम बैक इन दिस वीडियो विल भी डिस्कसिंग अबाउट द एफीबियंस केलेटल मसल्स ग्राफ्स एंड चार्ट तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहला जो रहेगा वो है टिश्यू स्पेसमेंट कि टिश्यू स्पेसमेंट को कैसे रेडी करते हैं तो एथिकल कमिटी यू ऑल नो कि एथिकल कमिटी ने बैंड लगा दिया तो नाउ वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द एम्फीबियंस एंड द फ्रॉक्स तो वी आर जस्ट शोइंग यू एंड लाइक एक एनिमेटेड हम लोग वर्जन uh, बता रहे हैं इसका एंड उसमें जितने भी ग्राफ्स एंड चार्ट रहते हैं वो सब चीज़ वन बाय वन विल भी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स ठीक है तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज की वाई आर वी परफॉर्मिंग स्केलेटल मसल्स का जो प्रॉपर्टीज होते हैं कार्डिक मसल्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ह्यूमन में वो चीज़ को देखने के लिए वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स पहले हम लोग वो चीज़ करते थे फ्रॉक पे तो हर एक चीज जो जो भी प्री लोड आफ्टर लोड फैटी गैन ये सब होता है वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग को इसमें दिखती थी ओके okay, मतलब इन विट्रो हम लोग को सारी प्रॉपर्टीज दिख जाती थी तो दिस इज़ इन फैक्ट टू लर्न की ह्यूमन के ह्यूमन स्केलेटल मसल के अंदर कार्डिक मसल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वॉट इज फटीक वॉट इज स्ट्रेंथ ऑफ स्टूमलस ओके प्रीलोड कैसे होता है फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म कैसे एक्ट करता है ये सारी चीज़ पता चलती है सो वाया दिस एक्सपेरिमेंट विल बी लर्निंग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग लर्न करेंगे बट सबसे पहले हम लोग बेसिक मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि हाउ दिस बेसिक मैकेनिज्म वर्क्स ओके तो पहला चीज़ है कि टिश्यू स्पेसमेंट आपने कैसे लिया अब आप लोग ने तो अपने प्रैक्टिकल उसमें बुक्स में ये सब चीज़ नहीं देखा कि लाइक प्रैक्टिकल जर्नल है उसमें नर्व नर्व है स्केलेटल मसल है ये सब सारी चीज़ नहीं दिया हुआ है तो वन बाय वन आई बी डिस्कसिंग कि ये कैसा दिखता है फ्रॉक को आ, कैसे स्टन करके कैसे कैसे वो लोग मतलब प्रिपेयर करते थे एक स्केलेटल आ, मतलब स्केलेटल मसल और सियाटिक नर्व को लेके कैसे वो लोग परफॉर्म करते थे एक्सपेरिमेंट्स को ठीक है सो लेट स्टार्ट हियर फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग कि गैस्ट्रॉक मसल एंड सियाटिक नर्व जो है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि वाई डू वी यूज अ फ्रॉक फ्रॉक क्यों लिया जाता है कोई बता सकता है आप लोग में फ्रॉक क्यों लेते हैं नंबर वन इसकी इट्स इजीली अवेलेबल ठीक है, है? उसमें हार्मलेस होता है इजी टू हैंडल होता है देन इसकी जो उसके जो लाइक सेलुलर फिजोलॉजी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एज सेम एज ह्यूमन ठीक है दैट इज़ द मेन रीजन वाई वी आर टेकिंग दिस फ्रॉग ओके एंड इसके जो लाइक दिस कैन विद स्टैंड चेंजेस इन द टेम्परेचर पी एच एंड ऑक्सीजन लेवल सो गैस्ट्रोक्नीमियस और सियाटिक मसल का जो प्रिपरेशन होता है दिस इज ईजिली टू लोकेट एंड लोकेशन के बाद लाइक like, उसको डिसेक्ट करने में भी आसानी होता है इजी टू प्लेस द इलेक्ट्रोड्स एंड देन विल बी बेसिकली टेस्टिंग की वॉट आर द लाइक गैस्ट्रोक्नीमियस मसल एक बिग मसल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लाइक वो ईजिल जनरेट हो जाता है उसमें सो हियर कम्स द डिसेक्शन पार्ट तो आई गेस कि 2008 ऑनवर्ड्स लास्ट था या 2009 में लास्ट था उसके बाद 2010 थाउजेंड ऑनवर्ड्स से एथिकल कमिटी ने बैंड लगा दिया था कि एम्फीबियन एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कैरियड ओके तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें फ्रॉक को पहले आप स्टन करते हो या तो आप उसके हेड पे कुछ स्ट्राइक करते हो या तो उसका जो हेड रहता है वो बैक ऑफ द ये जो टेबल का एज होता है उस पर यू हैव टू स्ट्राइक तो एक बार जब आपने स्टनिंग किया तो जो फ्रॉग रहता है वो Uh, बेहोश हो जाता है अनकॉन्शियस हो जाता है ठीक है देन उसके बाद यू हैव टू डिस्ट्रॉय द ब्रेन डिस्ट्रॉय द ब्रेन के लिए यू हैव टू डू द पिथिंग उसको पिथिंग बोलते हैं तो यू हैव टू इंसर्ट दिस इनसाइड एंड यू हैव टू बेसिकली डिस्ट्रॉय द ब्रेन एक बार डिस्ट्रॉय किया ब्रेन को फिर उसके बाद यू हैव टू डिस्ट्रॉय द स्पाइनल कॉर्ड फिर दोबारा वो साइड लेके गया एंड यू हैव टू डिस्ट्रॉय द स्पाइनल कॉर्ड तो जब वो दोनों चीज आपने डिस्ट्रॉय कर दिया नाउ बेसिकली जो फ्रॉग है वो एकदम अनकॉन्शियस लेवल में चला गया है ओके okay? उसके रिफ्लेक्सेस सारे एबसेंट होने लग जाते हैं पूरे रिफ्लेक्सेस उसको एबसेंट रहेंगे जब आप इसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखोगे तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स उसमें एबसेंट मिलेगा ओके okay? क्योंकि हमने उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों डैमेज कर दिया फाइन नाव विल बी लाइक डिसेक्शन हम लोग को स्टार्ट कर देना है वी हैव टू बेसिकली टेयर हिस लाइक जो एबडामिनल शेट है उसको टीयर किया वो मसल्स को बेसिकली आपको uh, जो भी उसका स्किन है उसको यू हैव टू टेक दैट आउट सो दैट हम वी हैव टू रीच द गैस्ट्रोकनीमियस मसल एंड टेंडन और सियाटिक नव को भी हम लोग को ट्रेस करना है ठीक है सो हियर वी आर बेसिकली ट्रेसिंग दिस सियाटिक नव यहाँ पे जो पेल्विक गर्डल था वहां पर वी हैव कट दिस एंड वी हैव टेकन दिस सियाटिक नव आउट एंड उसके बाद वो सियाटिक नव को वी हैव टू ट्राई वी हैव टू ट्राई दिस विद देल्प ऑफ अर थ्रेड वो थ्रेड से हमने जैसे वो सियाटिक नफ को टाई किया नव विल बी ट्रेसिंग दैट सियाटिक नव वो सियाटिक नव को हम लोग ट्रेस करेंगे टाई किया और ये गैस्ट्रोकनीम मसल है तो यहाँ से लाइक यहाँ पे तो सियाटिक नर्व एक टाइड है यहाँ पे गैस्ट्रोकनीम मसल है इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे गैस्ट्रोकनीम मसल को सो वी हैव टू बेसिकली ये दिस इज द गैस्ट्रोकनीम टेंडन दिस इज द गैस्ट्रोकनीम मसल तो यहाँ से वी विल कट दिस एंड वी विल टेक द होल गैस्ट्रोकनीम मसल एंड सियाटिक नर्व आउट ओके तो यहाँ से हमने टेंडन टेंडन को काट दिया ओके आफ्टर कटिंग दिस टेंडन इसको टाई करके वी हैव टू बेसिकली कट दिस एंड कट करने के बाद वी हैव टेकन दिस सियाटिक नर्व एंड द गैस्ट्रोक्म टेंडन ये टेंडन को दोनों कट कर करके एक सियाटिक नर्व है गैस्ट्रोकनीम मसल ये दोनों को हम लोग अब बाहर निकाल देंगे ठीक है सो वी हैव सेपरेटेड आउट तो दिस इज हाउ इट लुक्स ओके ये आपका नी जॉइंट है मेक श्योर सियाटिक नर्व है गैस्ट्रोगनीम मसल है ओके नाउ वी विल बी स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल ऑफ द नर्व एंड न्यूरोमस्कोलोजेंशन ठीक है उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो सारी हम लोग को सेलेटल मसल्स की सारी फिजोलॉजी अभी हम लोग को समझ में आएगी एंड देन इज द रिंगा सोल्यूशन अब रिंगा सोल्यूशन ये होता है कि जब आप मसल को बाहर निकालें तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज करने लगता है तो उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू एड सम सोल्यूशन वो होता है रिंगा सोल्यूशन तो ये रिंगा सोल्यूशन में क्या होता है इट हैज सोडियम क्लोराइड इट हैज़ पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट ए टी पी एंड एक्स्ट्रोस एंटीबायोटिक्स एंड एंटीफंगल्स तो ये सब बेसिकली वो प्रॉपर्टीज को उसका लाइक like आइसोटोनिसिटी और ये सब चीज़ों को मैंटेन करके रखता है तो मसल का प्रॉपर्टीज जल्दी लूज नहीं होता है ठीक है तो हियर इन दिस वीडियो वी हैव बेसिकली डिस्कस अबाउट द डिसेक्शन ऑफ द फ्रॉग अब नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि हाउ अ सिंपल मसल कर्व बेसिकली टेक्स प्लेस ठीक है ओके थैंक यू वाइज